नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं ये आपको आपकी तमाम मुश्किलों से निजात दिलवाएगा कोई भी समस्या जो आपके जीवन में चली आ रही है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं यह आपको तुरंत झटके में असर दिखाएगा कोई भी ऐसा बुरा कार्य जो होने वाला है और आप चाहते हैं कि ना हो जैसे आपकी नौकरी छूटने के आसार है आपकी नौकरी छूटने वाली है और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप इस उपाय को करिए जब भी आपको जरूरत हो आपको लगे कि कुछ बुरा होने वाला है मेरा बुरा हो जाएगा मेरे बच्चों के साथ बुरा होगा बाद में हम सब कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे, तब आपके पास जब भी ऐसा कंडीशन बने ऐसी हालात बने तो आप इस उपाय को कर लीजिए कोई भी जो बुरा कार्य होने जा रहा है वो तुरंत रुक जाएगा दोस्तों इस उपाय को आपको शाम के समय करना है इस उपाय को करने के लिए आप एक पान का पत्ता ले लें पान का पत्ता लेते समय ध्यान रखें कि पत्ता कटाफटा ना हो छेद वाला ना हो यानी कि खंडित ना हो उसके बाद आप पान के पत्ते को नीचे रखकर उसके ऊपर एक कपूर रख दें और कपूर पर एक चुटकी सिंदूर डाल दें साथ ही यदि आपकी कोई इष्ट देवी है या देवता है तो उनके नाम का अर्थ अगर नहीं है तो माँ दुर्गा के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं इस प्रकार के दीपक को देसी घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए साथ ही सुगंधित अगरबत्ती या धूपबत्ती का प्रयोग भी अवश्य करें अगर आप ना कर पाए तो आप पूजा के लिए मिलने वाला इत्र ला करके आसपास उस पान के पत्ते के छिड़क दें उसके बाद जो भी आपकी परेशानी है वह आप बोल दीजिए कि मुझे इस प्रकार की समस्याओं से बचाइए ये कार्य गलत है जो नुकसान हो सकता है इसलिए मुझे इस परेशानी से बचाइए या फिर आप चाहते हैं कि आपका कोई विशेष कार्य पूर्ण हो जाए तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं कि जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे कोर्ट कचहरी में मुझे विजय प्राप्त हो या फिर मेरा एक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरा हो जाए तो इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं इतनी क्रिया करने के बाद अपनी सभी मनोकामना या परेशानियां बोल देने के बाद आप कपूर को जला दीजिए उसके बाद आप एक लौंग और एक काली मिर्च लेकर अपने हाथ में उठा करके ओम दुर्गाय नमा ओम दुर्गाय नमा ऐसे बोलते हुए चढ़ा दें इसी प्रकार से आपको पांच लौंग और पांच काली मिर्च चढ़ा देनी है यानी कि उस जलते हुए कपूर में डाल देनी है ये जो आपने सामग्री चढ़ाई है इसे आहुति बोलते हैं इस प्रकार से आपको पांच आहुति देनी है बस ध्यान रखें कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली कोई भी सामग्री टूटी फूटी या खंडित ना हो इसमें जो आप लौंग का इस्तेमाल करेंगे वह आपको फूल वाली लौंग लेनी है बिना फूल वाली लौंग भी खंडित मानी जाती है पांच आहुति पूर्ण होने के बाद आप वहीं पर पूजा में एक लाल रंग के गुलाब को भी अर्पित कर दें आपको जलती हुई आग में गुलाब को नहीं डालना है बस उसके पास ही आपको रख देना है इतना क्रिया करने के बाद आपने जिस प्लेट में या फिर में में उपाय किया है उसी प्लेट या फिर अगर आप कुल देवी या कुल देवता के लिए कर रहे हैं तो आप उनकी आरती कर सकते हैं आरती पूर्ण होने के बाद आप इस सामग्री को इस बर्तन को यूं का त्यों माता रानी या फिर अपने कुल देवी देवता के सामने रख दे उसके बाद थोड़ा सा गुड़ बिल्कुल थोड़ा सा जैसे चीनी के दाने जितना थोड़ा सा गुड़ आपको तोड़ करके उस प्लेट में उस जो जलते हुए कपूर में ही आप उसे डाल दीजिए और अंत में दोस्तों पानी का छिड़काव अवश्य करें क्योंकि कोई भी पूजा बिना जल का अर्पण किए पूर्ण ही नहीं होती है इसलिए अंत में आप जल को अर्पित करें जलते हुए इस कपूर में प्लेट में जिसमें आपने जलाया है इसके आसपास आप पानी को छिड़क दें और उसके बाद जब ये सब कुछ जल करके राख हो जाएगा एक भस्म बन जाएगी तब आप इस भस्म को एक पुड़िया में भर करके अपने जेब में हमेशा रखें किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते वक्त अपने साथ लेकर जाएं या फिर जहां भी आपको भय है कि आपके साथ नुकसान हो सकता है तो उस जगह पर आप इसे अवश्य लेकर जाएं आपके दिन ही पलट जाएंगे पूरा भाग्य बदल जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें जय बजरंग जय माता दी जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव